हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और भाई मैं हूं सत्यम सिंह और मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं खास वीडियो। सो भाई आज मैं आपको नेट जेआरएफ के पर्पज़ से जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक स्पेशल लेक्चर लेकर आया हूं। सो आज हम उपनिषद शुरू करने जा रहे हैं भाई। उपनिषद के ऊपर एक खास लेक्चर रहने वाला है, उपनिषद का सामान्य परिचय और साथ में ईशावासीय उपनिषद के बारे में आज थोड़ा नेट के पर्पज़ से बात करेंगे। सो आइए पहली बार शुरू करते हैं। उपनिषद बेसिकली उपनिषद इन तीन चीज़ों से मिलकर बना है और इसकी उत्पत्ति इस तरह से हुई है, उप जमा नी प्लस शद। इसका मतलब होता है कि गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वही उपनिषद कहलाता है। और इसका मूल भाव यही होता है कि इस ज्ञान के द्वारा ब्रह्म से साक्षात्कार किया जा सकता है। सुबह ब्रह्म बेसिकली ईश्वरीय ज्ञान होता है, उसके बारे में हम ज्ञान प्राप्त कर सकें, इसमें इस बारे में साक्षात्कार किया जा सके, वही उपनिषद होता है। इसमें सबसे मेन बात जो है वो है अध्यात्म विद्या के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, और इसको वेदांत, इसको वेदों का अंतिम भाग भी इसको माना जाता है, वेदांत। सो भी वेदांत यानी वेदों का अंतिम भाग, सो उपनिषद को वेदांत का कहा जाता है। और इसमें अध्यात्म विद्या भी इसको माना जाता है, बेसिकली आध्यात्मिक जो विद्या है इसमें हम प्राप्त करते हैं, और ईश्वर के बारे में जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो उपनिषद के द्वारा प्राप्त करते हैं। अब हम उपनिषद के रचना काल की बात करें तो उपनिषद का जो रचना काल है वो भाई 1000 से 300 ईसा पूर्व माना जाता है। सो ये इसकी बहुत जो है इसकी रचना काल मानी गई है। और उपनिषद टोटल 108 होते हैं भाई, 108 उपनिषद हमारे माने गए हैं, और उनके अंदर बहुत सारे जो है डिवीजन है कि भाई किस किस चीज़ के ऊपर है। सो मुख्यतः बेसिकली इनको शंकराचार्य जी ने लिखा है, शंकराचार्य जी ने इन पर भाष्य लिखा है बेसिकली। सो शंकराचार्य जी के भाष्य सर्वप्रथम हमको प्राप्त होते हैं, जिसमें 10 हमारे मुख्य उपनिषद होते हैं, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैतरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक। ये हमारे 10 मुख्य उपनिषद होते हैं जिसमें हम मुख्य मानते हैं। डॉक्टर राधा कृष्ण के अनुसार हम उपनिषद को बेसिकली उपनिषद, उप मतलब निकट, नी मतलब नीचे और शद मतलब बैठना। सो जब हम निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको हम उपनिषद कहते हैं। और इस संसार के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो गुरु के समीप जो है शिष्यों का दल बैठ जाता था, तो वही जो है उपनिषद माना गया है। उसी के बाद उपनिषदों की रचना हुई है, और उपनिषद में बेसिकली ब्राह्मण शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है, जिसको परम तत्व के बारे में हम जानते हैं, जो ईश्वरीय तत्व है, जो परम तत्व है उसको ब्रह्म या ब्राह्मण जो हम जानते हैं उसका जो है उसके बारे में बेसिकली बात हुई है। उपनिषद की जो सूची अगर हम बात करें तो भाई ऋग्वेद जो है टोटल ऋग्वेद के अनुसार 10 उपनिषद माने गए हैं, शुक्ल यजुर्वेद के अनुसार 19 उपनिषद माने गए हैं, कृष्ण यजुर्वेद के अनुसार 32 उपनिषद माने गए हैं, सामवेद के अनुसार 16 उपनिषद माने गए हैं, अथर्ववेद के अनुसार 31 उपनिषद माने गए हैं। तो टोटल कुल 108 उपनिषद बताए गए हैं। सो ये हमारे सारे उपनिषद हैं, और उपनिषदों में 10 मुख्य उपनिषद माने गए हैं भाई, सन्यासी उपनिषद 17 माने गए हैं, वेदांत उपनिषद 24 माने गए हैं, और योग उपनिषद 20 माने गए भाई, शैव उपनिषद यानी शिव भगवान से समर्पित जो उपनिषद हैं वो 14 हैं, वैष्णव यानी विष्णु भगवान को समर्पित जो हमारे उपनिषद हैं वो 14 माने गए हैं, और भाई शाक्त जो उपनिषद हैं वो 9 माने गए हैं। कुल 109 उपनिषद के बारे में चर्चा हो रही है हमारी। So, इस तरह से इसका डिवीजन हो जाता है। तो भाई ये उपनिषद के बारे में सामान्य जानकारी थी। अब हम ईशावासीय उपनिषद के बारे में आ जाते हैं। ईशावासीय उपनिषद बेसिकली सबसे छोटा उपनिषद है, ये शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय माना गया है। शुक्ल यजुर्वेद हमारा जो है 40वां अध्याय इसको माना गया है, और इसमें जो है टोटल 18 मंत्र होते हैं भाई, कुल 18 मंत्र है इस चैप्टर के अंदर। इसको बेसिकली पद्यात्मक शैली में लिखा गया है, पद्यात्मक होती है पोएट्री शैली और गद्यात्मक होती है पैराग्राफिक शैली। सो जो पद्यात्मक शैली होती है वो पोयम के रूप में यानी सीक्वेंस वाइज हम इसको पढ़ सकते हैं, इस तरह से इसको लिखा गया है। इसके अगर हम पहले श्लोक पहले मंत्र की बात करें तो भाई इसमें पहला मंत्र आता है, ओम ईशावास्य मिदम सर्वम यत्किंत जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रत कृत्य सुविधनम। इसमें पहला उपनिषद ही माना गया है। इसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि सृष्टि में कुछ भी जो है
जो भी सब कुछ है वो ईश्वर में है, उसके द्वारा जो भी कुछ है वो सब हम उपयोग कर रहे हैं, उसके आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं है, उसकी परमिशन, उसकी आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें इस दुनिया में कोई भी लालच या किसी प्रकार का धन के प्रति लालच नहीं करना चाहिए। सो इस उपनिषद में यही बताया गया कि ये सृष्टि सारी ईश्वर में है, यानी ईश्वर हर चीज में व्याप्त है। इसके बारे में यही बताया गया है कि भाई जो भी कुछ जितने भी वस्तुएं हमारी हैं दुनिया के अंदर, भौतिक पदार्थ हैं, उन सब में ईश्वर बसता है और उसकी ही चीजें ये हैं। हम तो केवल इस दुनिया में केवल कुछ समय के लिए आए हैं और उसको हम जो है उपयोग करने के लिए हम बस प्रयोग कर रहे हैं। सो इसमें उपनिषद में यही बात की गई है और इसमें कर्म निष्ठा की बात की गई है। कर्म निष्ठा बेसिकली इसमें एक श्लोक आता है, कुर्वन्ने कर्माणि जिज्वेशम समाह एवं त्वयि नायने तो न कर्म लिप्ये नरे। ये बेसिकली दूसरा मंत्र है। इसमें ये बताया गया कि इस लोक में कर्म करते हुए हमें 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए, यानी जीवम शरदा शतम। इस बारे में बताया गया कि भाई 100 वर्ष तक जीने की इच्छा हमें करनी चाहिए और अभिमान हमें कभी नहीं करना चाहिए। अभिमान ना करके हमें हमेशा कर्म से लिप्त जो है अभिमान वाले कर्म ना करें, बल्कि निष्काम कर्म हमें करने चाहिए। निष्काम कर्म मोक्ष प्राप्त करने में हमें मदद करते हैं। सो ये इसमें बात की गई है। बेसिकली आत्मघाती जो है हो जाता है अगर हम ऐसा कर्म करते हैं, आत्मा के विरुद्ध अगर हम कोई कार्य करते हैं तो वो बेसिकली हमें अंधेरे में डालने का कार्य करता है। असूर्य लोक उसको कहते हैं, असूर्य लोक में ले जाने का कार्य करता है। जो भी कार्य हमारे धर्म सम्मत बताए गए हैं उनको हम आत्मा के विरुद्ध मानते हैं। आत्मा के विरुद्ध जो कर्म होते हैं उनको वेदों में धर्म सम्मत बताया गया है। आत्मा के विरुद्ध जो कार्य होते हैं वो गलत कर्म होते हैं और वेदों के अनुसार या वेदों में जो जिन कर्मों का वर्णन बताया गया है उनको जो है बेसिकली हम अच्छे कर्म मानते हैं। सो उसमें हमें वो कर्म करने चाहिए जो हमें मोक्ष की प्राप्ति करा सके। सो इस बारे में ही बात की गई है। इसमें दो विद्याओं के बारे में बात की गई है, अविद्या और विद्या के बारे में। अविद्या बेसिकली इसके बारे में एक श्लोक आता है, अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूयम् एवेते तमो यौ विद्याता एताम। ये 9वां श्लोक आता है। इसमें बताया गया कि जो अविद्या की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। यानी अगर आप सही चीज को गलत मानते हैं और गलत चीज को सही मानते हैं तो यह अविद्या कहलाती है। यानी विद्या होती है ज्ञान पूर्वक जो भी हम कर्म करते हैं, सोच समझ कर हम जो भी कार्य करते हैं वो विद्या मानी गई है। और अविद्या मतलब सत्य को असत्य मानना और असत्य को सत्य मानना। जैसे आप अंधेरे में किसी रस्सी को सर्प समझ लेते हैं, सांप समझ लेते हैं, तो यह भी हमारी अविद्या होती है। तो इस तरह से हमें कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। यानी हमें अगर ऐसे हम कर्म करते हैं तो हमें अंधकार से भी घोर अंधकार प्राप्त होता है और अविद्या में यही बताया गया है। सो विद्या बेसिकली विद्या की उपासना करके अगर हम उसके अनुरूप कर्म नहीं करते, यानी जो चीज़ हमें पता है उसके बाद भी हम उसको सही नहीं कर रहे हैं तो हमें घोर अंधकार से भी घोर अंधकार प्राप्त होता है। यही हमारा विद्या में बताया गया है। और विद्या की बात करें तो विद्या में एक श्लोक आता है, विद्याम चा विद्याम चे यस्त वेदो भय सहे अविद्या मृत्यम तीतरवा विद्या मृत मुष्यते। विद्या और अविद्या की एक साथ उपासना हमें करनी चाहिए, यानी विद्या और अविद्या दोनों को हमें जानना चाहिए। अविद्या मृत्यु को पार करने में हमारी मदद करती है, अविद्या जो है वो मृत्यु को पार करने में मदद करती है और अमृत को हमें प्राप्त कराने में मदद करती है। इसमें दो चीजें आती है भाई, संभूति। संभूति का मतलब होता है विनाश। जो परमात्मा की उपासना करते हैं वो अविनाश को जाते हैं, यानी उनका कभी भी विनाश नहीं होता। वो ईश्वर की जो है छत्र छाया में जो भी कार्य करते हैं उनको कभी भी विनाश नहीं होता। असंभूति की अगर हम बात करें तो एक असंभूति होती है, संभूति मतलब जो है विनाश होना। यानी जो केवल देव मनुष्य और पितरों की उपासना करते हैं वो विनाश को पाते हैं। यानी केवल देवों और मनुष्यों और पितरों की उपासना करनी जो है ये विनाशकारी बताई गई है। और आत्मभाव, आत्मभाव भाव के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। भाई आत्मभाव का मतलब जो सब भूतों में अपने को देखता है और सब भूतों में अपने को देखता है वो किसी से भी घृणा नहीं करता। यानी जो दूसरे व्यक्ति में खुद को महसूस करता है वो कभी भी पाप नहीं करता। यानी अपने भाव यानी दूसरों के दुख को देखकर भी जो दुखी हो जाता है वही जो है ईश्वर की कृपा के पात्र होते हैं। वो किसी से भी घृणा नहीं करते और उनको भगवान ईश्वर रक्षा करते हैं। और यही इसमें बताया गया है। ब्रह्म ज्ञान के बारे में भी इसमें वर्णन किया गया है। ब्रह्म ज्ञान
ब्रह्म ज्ञान ऐसा ज्ञान होता है जो ईश्वर के बारे में ज्ञान होता है, यानी ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति यह जान लेता है कि भाई ईश्वर जो सत्ता है जो इस पूरी सृष्टि को चला रही है उसका मर्म क्या है, उसका मर्म ज्ञान अगर वो जान लेता है जो भी मनुष्य, तो वो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति उसको हो जाती है। और आत्म तत्व जो है बेसिकली भूतों के रूप में प्रकट हो जाता है और हम शोक और मोह से, शोक और मोह हमारा जो होता है उसकी अनुभूति हमारी नष्ट हो जाती है, यानी हम शोक और मोह से दूर हो जाते हैं, परे हो जाते हैं और ईश्वरीय तत्व जो होता है हमें उसकी प्राप्ति हमें हो जाती है, और उस ईश्वरीय ज्ञान की जैसे हमें प्राप्ति हो जाती है तो हम मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। सो यही इस उपनिषद में बताया गया है। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। इसलिए आज मैंने छोटा सा लेक्चर लिया है, बीच में मैंने आपको उपनिषद के बारे में बताया और फिर उसके बारे में ईशावास्य उपनिषद के बारे में बताया। ये सबसे छोटा उपनिषद है, ये शुक्ल यजुर्वेद वाला उपनिषद माना गया है। इसमें कुल जो है 40वें अध्याय को, शुक्ल यजुर्वेद के जो 40वें अध्याय उसको जो है ये माना गया है। और बेसिकली 40वें अध्याय में 18 मंत्र हैं और इसको पद्यात्मक शैली में माना जाता है, लिखा गया है। शिव शंकराचार्य जी ने इसमें सबसे पहले भाष्य लिखे हैं, उसके पश्चात और भी अन्य भाष्य लिखे गए हैं। सो ये था हमारी नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए सबसे खास मैंने आपको कुछ बातें बताई। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। जल्दी मैं अपना अगला उपनिषद भी लेकर आऊँगा, हम अगले उपनिषद के बारे में भी जल्दी बात करेंगे। सो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि ये समझ आया होगा। मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।